जहां इंसान दुनिया के लिए दौड़ धूप कर रहा है, वहां इस इंसान का हकीकत में प्यार करने वाला खालिक और मालिक कहता है कि तुम दुनिया की खातर मुकाबलेबाजी करते हो, तुम्हारा कंपटीशन महज दुनिया है। अगर तुम मुकाबला करना चाहते हो, अगर कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेना चाहते हो, तो रब का कुरान क्या कहता है? फरमाया वसारिउ इला मग़फिरतिम मिर रब्बिकुम। वसारिउ बाबे मुफाला है, जिसका मतलब है बा मुकाबला करना, यानी तुम एक दूसरे से बढ़कर, तुम एक दूसरे से ज्यादा दौड़ लगा लो। इला मग़फिरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की बख्शिश की तरफ। तुम्हारा मतमा नजर अल्लाह से बख्शिश मांगना हो, ना के दुनिया का मालूम मता इकट्ठा करना हो। हाँ, दुनिया का मालूम मता भी इकट्ठा कर लो, लेकिन जायज तरीके से, हलाल तरीके से, और उस हलाल और जायज कमाई के अंदर से अल्लाह की राह में खर्च भी करते जाओ तो इसमें कोई मजायका नहीं। लेकिन जब तुम सिर्फ दुनिया कमाते रहोगे और दुनिया हकीर इकट्ठी करते रहोगे और दुनिया का मालूम मता इकट्ठा करने के लिए किसी का हक खा जाओगे, रिश्वत तुम लोगे, सूदी कारोबार तुम करोगे, चोरियां तुम करोगे, डाके तुम डालोगे, ये दुनिया है, आखिरत हम भूल चुके हैं। हमें अल्लाह का डर नहीं लगता, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों से उठ चुका है। हमारा रब तो कह रहा है कि तुम अल्लाह से मुआफी मांगने में एक दूसरे से आगे निकलो, एक दूसरे से आगे बढ़ो, लेकिन मैं हूं, मैं तौबा करना चाहता हूं, लेकिन बेशुमार ऐसी बातें हैं, ऐसी चीजें हैं जो मेरी तौबा के अंदर आड़े आ जाती हैं। कहीं रिश्तेदार आते हैं, कहीं दोस्त अहबाब आ जाते हैं, कहीं मैं अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी के ऊपर जो नेकियों की शक्ल में की है, मैं उस पर इक्तफा करके बैठ जाता हूँ, खुशफहमी का शिकार हो जाता हूँ कि मैंने बड़े रोजे रख लिए, मैंने बड़ी नमाजें पढ़ ली, और कहीं मेरे जहन से मौत का खतरा टल जाता है, कहीं मैं आखरत को भुला देता हूँ, और कहीं मैं गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता, और कहीं मैं क्या करता हूँ, कोई बात नहीं, अभी तो जवान हूँ, अभी नौजवानी है, कोई बात नहीं, बुढ़ापे का इंतजार करता हूँ, बुढ़ापा आएगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, बाल सफेद हो जाएंगे, फिर तौबा कर लूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ बुढ़ापे का, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाला तालिब इल्म भी इंतजार कर रहा है, यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने के बाद नमाजें शुरू कर दूंगा, दाढ़ी चेहरे के ऊपर सजा लूंगा, अपना तहबंद पेंट अपनी शलवार टखनों से ऊपर कर लूंगा। इंतजार किस चीज का है? कोई बात नहीं, अभी कौन सी बात है, अभी तो नौजवान हूं, अभी जवानी की उम्र है, इस जवानी की उम्र को हम गंदे कामों में लगा देते हैं, बुराइयों के अंदर, बेहयाई के कामों के अंदर, जिनाकारी के अंदर, चोरी डकैती के अंदर, और नशावर चीजों के इस्तेमाल के अंदर। ज़हन में क्या है? कोई बात नहीं, बड़ा वक्त है, बड़ा टाइम है, उम्र बड़ी लंबी है, इस वजह से मैं तौबा नहीं करता। और कहीं क्या है? रब की रहमत का नजायज फायदा उठाते हैं। हाँ, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहमान है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह तो मुआफ कर देगा,
और कहीं जब मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो मैं फिर अल्लाह से ना उम्मीद हो जाता हूँ, ना उम्मीदी के अंदर गुनाह के ऊपर गुनाह करता चला जाता हूँ, ज़हन में एक बात बैठा लेता हूँ कि अब मेरी मुआफी नहीं है। और कहीं वो तबका है जो शफात का नजायज फायदा उठाता है कि कोई बात नहीं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मेरी तो शफात हो जाएगी। ये वो चीजें हैं जो हमारे रास्ते के अंदर रुकावट बनी हुई है। कहीं लोगों का डर है, लोगों का खौफ है, लोग क्या कहेंगे दाढ़ी रख ली है, लोग क्या कहेंगे नमाजें शुरू कर दी हैं, लोग क्या कहेंगे तहबंद को अपने टखनों से ऊपर कर लिया है, लोग क्या कहेंगे कि तुम दीन की बातें करते हो, तुम्हारी जबान पर तो कल तक गाने की आवाज आती थी, आज कुरान की तिलावत शुरू हो गई, आज हदीस की बातें शुरू हो गई, बड़े तुम नेक बनते हो। ये चीजें भी हमारे लिए रुकावट बनी।